ये देख लीजिए, ये मैं नए कनेक्शन कर रहा हूँ। देखें इसकी स्पीड लगाई, रेड, ब्लैक, ब्लू, रेड और येलो। ये है हाई, मीडियम और लो, और ये कॉमन। मतलब ये डिटेल में आपको इंशाल्लाह बताऊंगा, जस्ट रेंडमली दिखा रहा हूँ आपको। देखें ये जो है ना जिप्सिंग है, मैंने आपको बताया था ना जिप्सिंग कटती है, उसके बाद हम काम करते हैं। देखें मेंटेनेंस का काम ये है। अब ये सारा पैनल बना रहा हूँ ना, तो ये सारा इसमें फिक्स हो रहेगा, दोबारा जिप्सिंग वैसी ही रीन्यू हो जाएगी और बिल्कुल इसके अंदर लग जाएगा। कारपेंटर आके लगा देगा अपना काम। कहने का मकसद है ऐसे काम होता है मेंटेनेंस का, जगह पर जहाँ पर आप जाएंगे सब खुला हुआ है। ऐसे रेलवे का कॉन्ट्रैक्टर, मैग्नेटिक कॉन्ट्रैक्टर और ऑटो। इस ये जो है ना टू फेस मोटर है, इसकी सेपरेट कनेक्शन है और इसकी सेपरेट है, लेकिन हम इसको एक साथ जोड़ेंगे। इसमें थ्री स्पीड है, इसमें स्पीड तीन है, यानी कि हाई, मीडियम और लो। लेकिन मोटर कौन सी है? टू फेस की। तो इसमें ये याद रखें, थ्री फेस की भी मोटर होती है, टू फेस की मोटर होती है और उसमें स्पीडें भी होती हैं, ठीक है। ये सिर्फ डेमो दिखा रहा हूँ आपको, ताकि आपको रियलाइज़ हो ये काम आपको आएगा। तो इंशाल्लाह आप अपनी सीवी के अंदर मेंशन करेंगे फ्रंट कॉइल यूनिट के कंट्रोल को। और ये लगा हुआ इसका कंट्रोल, देखें वो सामने लगा हुआ इसका कंट्रोल, इसके टर्मिनेशन और इसके टर्मिनेशन में आपको दोनों को बताऊँगा। बहुत ईजी है, इंशाल्लाह आपकी समझ में आएगा। दोस्तों ये देखिए, ये मोटर इसमें से निकाल ली है एक, और हम इसको ले जाकर दूसरे फ्लोर पर लगा रहे हैं। ये मोटर, ठीक है, ये मोटर है और ये रहा उसका, ठीक है। दोस्तों देखिए, ये कंट्रोल का काम है और ये FCU फैन कॉइल है और ये नई वाली है। देखिए कंट्रोल, इसमें रिले लगी हुई है, थर्मास्टेट लगा हुआ है, ये रही रिले, ठीक है। अब इसको मैं क्या करूँगा, उतारूँगा और दूसरी जगह फिक्स करूँगा। बिफोर मैंने आपको दिखाया था पहले कि एक जगह मोटर ख़राब हो गई, इसको मैं चेंज करूँगा, ठीक है। आपके सामने ही ये सारा कंट्रोल निकालूँगा और इसे आप देखें, ये देखिए बिल्कुल ईजीली, ये आपको अभी समझ नहीं आएगा, जब मैं आपको दिखाऊँगा प्रैक्टिकली तो ही आपको समझ में आएगा। तो ये सारे मैंने यहाँ से इसके टर्मिनेशन निकाल दिए, देखें सारे मोटर की टर्मिनेशन निकाल दी आपके सामने। तो ये देखिए, ये मोटर है और ये ऊपर कंट्रोल है। तो इंशाल्लाह मैं आपको इसे कनेक्शन, इसकी टर्मिनेशन बताऊंगा किस तरह से। जब आप, मैं आपको बताऊंगा ना ब्लैक बोर्ड के ऊपर, तो इंशाल्लाह आप सारे वायरिंग का समझ जाएंगे। ये वायर कौन सी जगह कहाँ लगने, कौन सा कंट्रोल का वायर आएगा, कौन सा इसमें न्यूट्रल लगेगा, कहाँ पर रिले का कनेक्शन होगा, तो आपको पता चल जाएगा। ये है फैन कॉइल, जो मैंने आपको बड़ी सी पिक्चर में चिलर दिखाया था ना, बड़ा, बहुत बड़ा छत के ऊपर रखा है, वही चिलर से निकल के ये यहाँ पर फैन कॉइल लगती है। यहाँ से हवा आती है और ये चीज़ इसको रोटेट करती है हवा को फेंकने के लिए। तो इंशाल्लाह देखिएगा आप आगे वाली वीडियो में इंशाल्लाह। तो ये देखिए मोटर है, अभी इसकी चेकिंग करिए, लेकिन हमेशा याद रखिए कैपेसिटर कभी भी आप इसको लगाने के बाद पावर में वापस हाथ में नहीं लिएगा, इसका सबसे पहले शार्ट कर देगा। ये देखिए, ये देखिए, और ये इसको इस तरह से शार्ट डिस्चार्ज कर दें, ठीक है, ताकि आपका, क्योंकि इसके अंदर पावर बहुत हाई होती है, झटका थोड़ा सा लगता है लेकिन बहुत हैवी होता है, तो इसलिए एहतियात करें हमेशा। ये एक छोटा सा रैंडमली आपको दिखा रहा हूँ मोटर कैसे चेक करते हैं, आगे इंशाल्लाह आपको इसका पूरा एपिसोड के हिसाब से आपको बताऊँगा हर चीज़, वाइंडिंग वगैरह, वायरिंग वगैरह, थ्री फेज मोटर कैसे रिपेयर करते हैं, सब कुछ इंशाल्लाह। तो दोस्तों ये देख लीजिए, ये पूरी मोटर मैंने यहाँ पर खोल दी आपके सामने, ये वही मोटर है, ये वही है जो ऊपर से मैंने उतारे थे। कहने का मकसद ये, मैं आपको सब समझाऊंगा तो इंशाल्लाह आपको हर चीज़ समझ में आएगी, अंदर क्या ख़राबी होती है, कैसे फाउंड आउट करते हैं, क्या चीज़ है, क्या मसले हैं, इंशाल्लाह। मेरा दिखाने का मकसद इतना होता है कि थ्योरी के अंदर कि आप इस चीज़ को थ्योरी में बहुत अच्छी तरह समझेंगे, प्रैक्टिकल में आएंगे तो आपको उसके बाद जब खुद प्रैक्टिकल करेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। अभी ये देखें ना, ये वायर कहाँ जा रहा है, कैसे लग रहा है, कौन सा वायर है, कहाँ लगाऊं मैं इसको, कैसे बताऊं आपको, आपकी समझ में इतनी जल्दी नहीं आएगा। इसलिए मैं बोलता हूँ आप थ्योरी पे फोकस करेंगे तो इंशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त समझेंगे इन चीज़ों को आखिर तक, आपको शुरू से लेकर एंड तक इंशाल्लाह मैं पूरा काम अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह सिखाऊंगा, मेरी कोशिश है पूरी। बाकी आप साल चलते रहें, देखते रहें इंशाल्लाह आगे वीडियो में बहुत कुछ है इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़। दोस्तों ये देखिए, मैंने वापस कंप्लीट कर दी, फिक्स कर दिया, सब कुछ ऐसे लगा दिया, इसके अंदर वायर भी फिक्स कर दिया, बैरिंग भी लगा दिया, बुश भी लगा दिया और ये सब चीज़ें इसके अंदर फाइनल पोजीशन में वापस लिया। इसको वापस बेस में लगाना है और उसके बाद फाइनल ख़त्म। ये काम है, इसको मैं आपको इंशाल्लाह बताऊंगा आगे जाके। ये थोड़ा प्रोसेस थोड़ा सा ऐसा है कि अगर आप पीछे काम सीख जाएंगे ना तो ये सारे कॉन्ट्रैक्टर का काम है, मतलब रेलवे में कैसे वायर लगाना है, वाइंडिंग में कैसे वायर जोड़ना है, इंशाल्लाह मैं आपको बताऊँगा। तो देख लीजिए, मैंने मोटर दोनों उतार दी यहाँ से, एक ही वाली पहले यहाँ लगी थी वो भी उतार दी और वो रही नीचे दोनों, ठीक है, ये रखी हुई नीचे। तो कहने का मकसद ये है, ये काम मैं भी करता हूँ और करवाता भी हूँ, बस मैंने आपको दिखाने के लिए बताया कि देखें अगर नॉलेज होगी तो आप सारे काम करवा सकते हैं, सिर्फ बता के, सिर्फ दिखाने का मकसद ये है वीडियो। तो मैं बीच में भूल गया था इसलिए मैंने आपको दोबारा आखिर में दिखा दी। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू। तो दोस्तों ये वही रिले है जिसकी मैंने आपको दिखाई थी पहले वीडियो, इसकी टर्मिनेशन कर दी है रेड, न्यूट्रल, बाकी नॉर्मल क्लोज,
नॉर्मली ओपन, ये सारी ड्रेसिंग जो है ना मैं आपको बता दूंगा कैसे होती है। और ये देखिए ये वायर है, इसमें देखें ये जो है ना ब्लैक, ये हाई स्पीड मीडियम स्पीड ब्लू, और रेड वाला जो है वो है हाई मीडियम और लो, और ये कॉमन है येलो वाला। इस कॉमन में मैं देखें फेस डाल रहा हूँ, ये सारे कंट्रोलिंग वायर हैं, कितने छोटे और कितने बारीक हैं। और ये जो दो हैं दो न्यूट्रल और फेस हैं, डायरेक्ट हैं कंट्रोल में, इसने यहाँ से न्यूट्रल दिया और यहाँ से ये रेड वाला जो है ये ब्लू वाला रेड के साथ ये फेस है। इसके सारे टर्मिनेशन मैं आपको बताऊंगा किस तरह होते हैं, इस तरह से आपके समझ में नहीं आएगा, जब मैं आप उसकी डायग्राम बना के दे दूंगा तो फिर ये जिस तरह टर्मिनेशन हो रहे हैं आपको बिल्कुल इजीली समझ में आ जाएगा। दिखाने का मकसद सिर्फ इतना है कि इसमें देखें ये काम इस तरह से हो रहा है मेंटेनेंस का। और ये रिले पड़ी है, देखें ये इसमें रिले है, और ये जो है मैग्नेटिक कॉन्ट्रैक्टर है, ये हीटर के लिए यूज़ होता है, इसके कनेक्शन में आपको बताऊँगा। और ये अंदर कॉइल है, ये देखिए ये अंदर कॉइल लगी हुई है, ये पंखड़ियाँ हैं देखें ये, और ये पंखड़ियाँ हैं देखें, ये चल रही है इसके अंदर, और ये मैंने रोक दी। ठीक है, ये अभी ऑन करूँगा इसको हाई स्पीड में लो स्पीड में, जस्ट आपको डेमो दे रहा हूँ। देखें ये इस तरह से होता है काम, मैं ऊपर चढ़ाऊँगा इससे थोड़ी वीडियो में ऊपर नीचे हो रहा है, इंशाल्लाह मैं आपको ये भी काम सिखाऊँगा। बस कंट्रोल का आप जब रिले वगैरह सीख जाएंगे ना तो फिर आपको ये सारा काम आ जाएगा, ये किस तरह कनेक्शन होता है, किस तरह इसमें जो है फैन कॉइल भी चल रहा है, इसमें हीबा फिल्टर वो जो सामने लगा हुआ आप देखेंगे ये जो लगा हुआ ये भी चल रहा है, और इसके अंदर एग्जॉस्ट भी चल रहा है, और इसके अंदर जो एक और छोटा वाला एग्जॉस्ट भी चल रहा है जो आप सामने देख रहे हैं, वो सामने उसके बटन नज़र आ रहे हैं वो भी चल रहा है, मतलब सारी चीज़ें इसके साथ चल रही हैं कंट्रोल में। लेकिन वायर देखें कितना छोटा है, ये वायरिंग है कंट्रोल के लिए, और जो चला रहा है वो ये मेटा हैवी वायर है, लोड इस पर है, ये सिर्फ कंट्रोल कर रहा है। तो इंशाल्लाह आपको आने वाले अभी वीडियो में इंशाल्लाह दिखाऊंगा कि ये किस तरह काम होता है, आप देख लीजिए फाइनल हो जाएगा फिर आपको दिखाता हूँ। हाँ दोस्तों ये देखिए टर्मिनेशन तैयार हो गए, इसके अंदर जो ब्लैक वायर है ब्लैक के साथ जो नीचे वाले हिस्से में रेड लगा हुआ है वो जो है न्यूट्रल है, और उसके बाद जो उसमें रेड वाला है और ब्लू वाला और येलो वाला मेन फेस देखें नीचे की साइड दूसरे नंबर पर वो जो है मेन फेस आ रहा है डायरेक्ट डीबी से, उसके बाद ब्लू वाला एक ग्रीन के साथ जुड़ा हुआ है और एक ऑरेंज के साथ जुड़ा हुआ है, और ऑरेंज के बाद वो एक जंपर मार रहा है येलो कलर में, तो यानी कि ये मेन फेस उठा के सीधा मोटर की कॉइल के कॉमन में दे रहा है। ठीक है, इसमें एक ऑरेंज वायर बीच में देखेंगे जो चार और पाँच के बीच में लगा हुआ है, यानी कि तीन नंबर पर आई थिंक राइट सिंगल जो किसी ऊपर में कनेक्ट नहीं है वो है हीटर का वायर। उसके बाद ऊपर जो स्पीड मैंने आपको बताई थी कि है लो हाई मीडियम ये तीनों लगी हुई, और इसके नीचे देखें कलर जो है ना एक ब्लैक है एक ब्लू है एक रेड है, लेकिन देखें कलर चेंज हुआ हुआ है, रेड में ब्लैक लगा हुआ है और ब्लैक में रेड लगा हुआ है नीचे की साइड, वो कंट्रोल है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता अगर आप इसको इधर चेंज कर दें, कोई धमाका नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ क्या होगा मोटर की स्पीड में चेंज आ जाएगा, यानी हाई होगा तो लो हो जाएगा, लो होगा तो हाई हो जाएगा, यानी नीचे कंट्रोल के अंदर प्रॉब्लम आएगी सिर्फ हाई और लो में, वैसे कुछ नहीं होगा। जो डायग्राम होती है उसके हिसाब से लगाएंगे तो यहाँ पर होगा, पहले किसी और ने टर्मिनेशन नीचे करे हुए थे अपोजिट, तो मैंने यहाँ पर वायर अपोजिट कर दी तो वो स्पीड वही हो गई सेम समझ गए मेरी बात। इसमें बहुत सारी चीज़ें चेंजिंग आती हैं जो दिखाते हैं वो होता नहीं है, क्यों कि मेंटेनेंस के आदमी दूसरे होते हैं, वो चीज़ों को अपने हिसाब से लगा के चले जाते हैं। तो ड्राइंग आपको पढ़नी आ गई, डायग्राम समझ में आ गई, तो आप ये सारा काम कर सकते हैं। ये जो है मेन फेस है, क्योंकि यहाँ पर इतने सारे वायर लग नहीं सकते, यहाँ से मैंने उठा के सबको कंट्रोल को यहाँ बांध दिया, तो इंशाल्लाह थोड़ी देर में आपको चला के दिखाता हूँ ये फाइनल हो जाएगी। यहाँ पर जो है ना हीटर आएगा, हीटर के वायर अभी नहीं है, ये हीटर की वजह से चला है, मैं इसका टर्मिनल चेंज करूँगा मोटा हैवी वाला ला के तब वो लगाऊंगा, अभी फ़िलहाल खाली एफ सी ऑन करना है ताकि यहाँ पर थोड़ी कूलिंग हो जाए और ठंडा हो जाए। देखिए मैं जो हूँ ये रिपेयर कर रहा हूँ, और ये एफ सी यू फैन कॉइल की मोटर है अंदर की, न्यू कनेक्शन कंट्रोल है इसमें सब कुछ है, मैं आपको वक्त दिखाता रहूँगा, देखते रहिए आप। तो देखिए मैंने आपको ये दिखा दिया कि एक इसके अंदर कॉमन में मैंने फेस डाल दिया और बाकी न्यूट्रल अलग पड़ा हुआ है। ठीक है, मेंटेनेंस के अंदर काम ऐसे आता है, देखें ये दोनों तार अभी मैं मिलाऊंगा तो मोटर चलने लग जाएगी, क्योंकि एक मोटर की जो है ग्राउंडिंग मिक्स हुई है, यानी ग्राउंडिंग और फेस अटैच हुआ हुआ है, तो शॉर्ट सर्किट भी नहीं आ रहा और मोटर भी चल रही है। देखें ये रेड के साथ मैं ब्लू लगाऊंगा तो मोटर चलने लग जाएगी। ये देखें ये मोटर चल रही है, शुरू हो गई मोटर चल, और ये देखिए मैंने ये रेड के साथ दोनों रेड लगाए, अब मोटर हटाऊंगा, ये देखें
ये मैंने हटा दिया, मोटर बंद हो गई, ठीक है ना। ये देखें, ये मोटर रुक गई आपके सामने ही है। ये दोबारा लगाऊंगा फिर चलेगी ये, फिर मोटर चल गई। ये दोनों रेड लगाए, ये दोनों चल गए। ये जो फॉल्ट है ना, ये चीज़ ना सीखना बहुत ज़रूरी है। ये चीज़ें आपकी समझ में आएंगी तो फिर आगे आप मेंटेनेंस में भी काम कर सकते हैं और मोटरों के अंदर भी काम कर सकते हैं। ये दो मोटर हैं, दोनों के तार ये लगे हुए, देख लीजिए अच्छे से, ठीक है। ये देखिए, ये मोटर में मैं तार लगा रहा हूँ, दोनों मोटर के मैंने वायर कॉमन एक साथ कर दिए हैं, और बाकी सबके सिंगल सिंगल स्पीड सब अलग है। देखें, ये इसमें टच करूँगा तो देखें ये चलेगी मोटर। ये देखिए वाली मोटर चल गई, ये हटा दिया। उसके बाद दोबारा देखिए, ये दूसरी मोटर पर लगाई, ये दूसरी मोटर चल गई, ये वापस हटा दिया। साउंड भी कम हो गया, देखिए स्पार्क में सारी है। ये देखिए मोटर चल गई। देख लीजिए, ये जो है ग्राउंडिंग है और ये इसमें फिक्स कर दी ग्राउंडिंग ऐसे मोटर के साथ, और इसमें इसको लगा दिया, बस इतना सा करके इसको ख़त्म कर दें। अपनी मोटर फाइनल हो गई। ग्राउंडिंग यहाँ पर लगती है अक्सर, पर छोटी मोटरों की इसके अंदर ग्राउंड लगती है। देखिए मैं टाइट करूँगा बस। मैंने आपको पिछली वीडियो में दिखाया था कि दो टर्मिनल डायरेक्ट लगते हैं फेस के, ये दो हैं और ये दो हैं। ये दो हीटर के अंदर जा रहे हैं, ये दोनों सीधे जाके ये मेन फेस में लग रहे हैं, एक और दो। ये डायरेक्ट देखें फेस में आ गया, इससे रिले के अंदर दोनों में पावर चली गई, लेकिन यहाँ पर बीच में होल्ड है क्योंकि ये मैग्नेटिक क्लोज नहीं है। देखें ये क्लोज नहीं है। जब तक मैं इसमें A1 और A2 की पावर नहीं दूंगा कंट्रोल में, मैंने अभी हटाई भी इसलिए कि इसका हीटर अभी नहीं चलाना। लेकिन ये जो ऑरेंज वायर है ना, ये वाली सिंगल, यहाँ पर कॉइल का A1 लगेगा और एक जो है डायरेक्ट इसमें लगेगा फेस में। तो क्या होगा, जब थर्मास्टेट नीचे से हम चेंज करेंगे हीटर पर लाएंगे, तो हीटर के ऊपर वो कनेक्ट करेगा न्यूट्रल, और न्यूट्रल इसमें से कनेक्ट होकर सीधा इसमें आ जाएगा रिले के A1 में, और एक हमने डायरेक्ट दिया हुआ होगा, तो ये फिर ऑपरेट हो जाएगा इस तरह से कि मैं आपको दिखाऊंगा इंशाल्लाह। बस बताने का मकसद है, ये सारा बहुत इजी काम है, इंशाल्लाह आप सीखेंगे तो आपके काम आएंगे। ये देखेंगे रहा हीटर, ये दो देख रहे हैं टर्मिनेशन, ये दोनों यही वाले हीटर के वायर हैं, लेकिन आगे जाके इंसुलेट हो गए ताकि सेफ्टी रहे। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा। देखिए ये है थर्मास्टेट, इसके अंदर तीन स्पीड होती है, यहाँ पर मैं आपको चला के दिखाता हूँ। 1, 2, 3, तो आप इसमें साउंड सुनिएगा 1, 2, 3 का, ठीक है। देखें ये मैंने ऑन किया, ये इसमें फुल स्पीड हो रही है, ठीक है। अब ये देखिए मैं इसको कम करता हूँ इसकी स्पीड, ये मेरी ये बिल्कुल लो हो गई स्पीड, ठीक है। आवाज़ सुने, अब ये वॉइस सुनिए इसकी, ये देखिए ये सेकंड स्पीड हो गई, ये थर्ड स्पीड वॉइस सुनिए। ये है इसमें तीन स्पीडें जो मैंने आपको ऊपर दिखाई थी, ठीक है। देखिए दोनों चल रही हैं फैन कॉइल, इसको आप देख सकते हैं और इसको भी आप देख सकते हैं, ये देखिए, ठीक है।